हेलो एवरीवन, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। नाउ इन दिस वीडियो आई विल टेल यू इमेज किस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ HTML अपनी कोडिंग में यूज़ करते हैं, हम किस तरह से एक इंसर्ट करते हैं इमेज। ओके, तो हमें पता है कि हमारी जो इमेज वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं HTML में, वो हम ज़्यादातर बॉडी में यूज़ करते हैं, और जो हेडिंग वगैरह होती है, आई मीन टू से टाइटल ऑफ द पेज वगैरह, वो हम हेडर में यूज़ करते हैं, हेड में इन HTML। हम अगर CSS वगैरह यूज़ करते हैं तो हम हेड में भी काफ़ी काम करते हैं, बट इन HTML हम कह सकते हैं हम बॉडी में सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं एज कंपेरिजन टू हेड। ओके, नाउ हमारा जो टाइटल ऑफ द पेज होगा उसका नाम होगा हमारा इमेज टैग। फाइन, टाइटल ऑफ द पेज कोई सा भी दे सकते हैं, हेलो वर्ल्ड कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दे दिया इमेज टैग बिकॉज ये इमेज टैग का डेमो है, आई मीन ट्यूटोरियल। नाउ इमेज टैग जो होता है उसका जो टैग नेम होता है वो सिंपली img इमेज होता है। ओके, और हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी टैग होता है, आई मीन ये एक ही टैग होता है, ये नहीं कि हम इसको इस तरह से भी करना पड़ रहा है। ओके, पेयर्स टैग नहीं होता है ये इमेज टैग, तो हम इस तरह से इसको लिखते हैं। नाउ किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, जैसे हमने इमेज टैग लगा दिया, लेकिन कोई सी इमेज भी तो उसमें डालनी पड़ेगी, राइट? राइट, इमेज का जो एड्रेस होगा, या हम कह सकते हैं इमेज का जो एक्सटेंशन होगा, जो भी है, उसे भी तो हमें इसमें इनपुट करवाना पड़ेगा। तो किस तरह से करेंगे, इमेज के अंदर ही करेंगे, एक सोर्स लेंगे, राइट? सोर्स क्या होता है, src सोर्स, कि कौन सी इमेज लेनी है। देन इमेज का नेम है lnes डॉट png। ये मेरे इसी फोल्डर में है जिसमें मैंने ये वाला फाइल सेव की है, इमेज टैग डॉट html, उसी फोल्डर में है ये वाली इमेज। ओके, तो उसी फोल्डर में होनी चाहिए। देन इसको हम सेव कर लेते हैं। नाउ अब हम देखते हैं, गो टू रन, लॉन्च इन क्रोम। ओके, नाउ ये हमारा आउटपुट बन के आया, फाइन। अब हम इसको आउटपुट को, ये पूरी की पूरी स्क्रीन पे है, इस तरह से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर इमेज की इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं। तो किस तरह से करते हैं, जैसे हमारा इमेज है, ओके, इसके अंदर ही हमें चेंजेस करने हैं। किस तरह से हम इसकी विड्थ चेंज करेंगे उस इमेज की, तो कितनी विड्थ होगी उसकी, विड्थ इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 500 विड्थ होगी इसकी। एंड इसकी हाइट भी हम, हाइट भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, HEIGHT हाइट, सॉरी HEI हाइट इज इक्वल्स टू 200। हम इसको हाइट को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, एंड हम इसको यहाँ पे कोटेशन मार्क्स लगाने पड़ेंगे डबल, एंड देन इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं किस तरह से हम इसका आउटपुट आता है। फाइन, यू कैन सी यहाँ पे हमारा इस तरह से विद आ गई है। पहले ये पूरा का पूरा यहाँ तक था, हाइट भी इसकी ऐसी थी, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 500 तो विद है इसकी, यहाँ से यहाँ तक 500 विद है, और जो 200 है वो इसकी हाइट है। हम इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं इस इमेज टैग को, किस तरह से हम बॉर्डर देते हैं। ओके, देन बॉर्डर के लिए हमें इसके अंदर एक और चीज़ करनी पड़ेगी, क्या, स्पेस। हम यहाँ पे कर देती हूँ मैं स्पेस, तो हम कितने भी कर सकते हैं, HTML एक फ्री स्पेस लैंग्वेज है, इसमें हम कितने भी स्पेस करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम स्पेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, लेकिन ये नहीं कि हम सोर्स के बाद यहाँ पे स्पेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गलत होगा, राइट? लेकिन हम वैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं स्पेस। ओके, देन बॉर्डर देंगे हम इस पर्टिकुलर इमेज को, एंड देन इक्वल क्या होगा, बॉर्डर वन कर देते हैं, फाइन, वन बेटर। देन इसको सेव करते हैं, एंड देन देखते हैं किस तरह से इसका आउटपुट आता है। गो टू रन एंड देन लॉन्च इन क्रोम। नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारा बॉर्डर आ चुका है, राइट? यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइन, हम इसको ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हमारा बॉर्डर आता है। अब लास्ट चीज़ है इसमें, मैं बताती हूँ कि हम किस तरह से एक पर्टिकुलर इस इमेज को हम लिंक यूज़ कर सकते हैं, आई मीन इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कहीं और हमें शिफ्ट कर देगा। तो किस तरह से हम लिंक यूज़ करते हैं इमेज में, लिंक के लिए जैसे मैंने बताया है एंकर टैग यूज़ करते हैं। एंकर टैग क्या होता है, ए, राइट? एंकर टैग होता है, तो लिंक हमें इस इमेज में डालनी है, तो हम क्या करेंगे, ए से इस इमेज को बंद कर देंगे एक तरीके से। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इमेज यहाँ तक है, इस तरह से हम समझ जाएगा, देखो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, अच्छे से समझ जाएगा, ये हो गया। एंड देन लास्ट में नीचे कर देते हैं इस तरह से, फाइन। तो हमने क्या करा है कि जो हमारी इमेज है, राइट, ये पूरी पूरी जो इमेज है ये एंकर टैग के अंदर बंद है, फाइन। अब हम एंकर टैग में जो भी हम सोर्स डालेंगे, आई मीन जो भी हम रेफरेंस डालेंगे, जो भी हम किसी भी चीज़ का एड्रेस डालेंगे, वो इमेज में परफॉर्म होगा। तो किस तरह से करेंगे, एंकर टैग में किस तरह से हम एड्रेस डालते हैं,
with the help of href hyperlink reference, and then इस तरह से क्या होगा एड्रेस, पेज का नेम है सेकेंड डॉट एच टी एम, फाइन, एंड देन इसको सेव कर लेते हैं, देन गो टू रन, देन लॉन्च इन क्रोम, देन यू कैन सी ये हमारी इमेज है, लेकिन देखो यहाँ पे पहली वाली में क्या था, इमेज है, इस पर रखेंगे कर्सर अपना, तो ये इसी तरह से है, मतलब आई मीन एरो है, इस पर करेंगे कर्सर रखेंगे इस पर, देखो ये चेंज हो गया, क्यों, बिकॉज ये अब लिंक बन चुका है, लिंक, अब इस पर क्लिक करेंगे, देन यू कैन सी ये दूसरे पेज पे चला गया है, फाइन। तो इस तरह से हम इसमें लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ, इसमें जाते हैं हम, इस पर्टिकुलर इमेज को पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं, किस तरह से, हम कह सकते हैं इसे तो ऐसे ही रहने देते हैं, ओके, हम कह सकते हैं इसको इस तरह से, जिससे याद पता चले कि क्या कर रही हूँ, तो मैं इसको स्पेस करके कर देती हूँ। तो किस तरह से हम लिंक प्रोवाइड करवाते हैं, आई मीन स्पेस, स्पेस के लिए हम सिंपली इसको सेंटर लिख सकते हैं, सेंटर, ओके, इसको हम सेंटर में पोजीशन में रख सकते हैं, इसको सेंटर क्लोज कर देते हैं, सेंटर, देन इसको इस तरह से सेव। नाउ यू कैन सी हमारी जो इमेज है ये इधर आ चुकी है। पहले वाले में क्या था, सिंपली हमने लिंक प्रोवाइड नहीं करवाई थी, इसमें क्या था, हमने लिंक प्रोवाइड करवाई थी, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, थर्ड वाले में हमारा जो कोड है वो चेंज हो गया, एंड देन इसको सेंटर में ये चला गया है, ओके। इस वीडियो में बस इतना ही, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।